graph the solution of this system. तो यहाँ पर system में हमारे पास तीन inequalities हैं. एक है y is greater than equal to 2x plus 1, एक है y is less than 2x minus 5, और एक है x is greater than 1. अगर हम इन तीनों का graph बना लें, तो हमें ये देखना होगा कि इन तीनों का intersection कहाँ पर आता है. यानी कि वो region जहाँ पर इन तीनों के solution लाए करते हैं, उसी region को हम बोलेंगे कि वो इस system का solution होगा. तो यहाँ पर हमें एक-एक करके इन तीनों को graph करना है, और फिर देखना है कहाँ पर ये तीनों overlap करती हैं. मैं चाहूँगा एक बार तुम इस वीडियो को पॉज करके इन तीनों को ग्राफ करने की कोशिश करो. तो अगर मैं पहली वाली देखूं, ये है y is greater than equal to 2x plus 1. अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाने की कोशिश करूं तो वो एक लाइन होगी, वो होगी y is equal to 2x plus 1. यहाँ पर मैं बाउंड्रीज बना देता हूँ. अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो मेरी पहली बाउंड्री होगी, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, वो होगी y is equal to 2x plus 1. और अगर मुझे इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो मुझे दो पॉइंट्स चाहिए होंगे जो इस लाइन पे लाए कर रहे हूँ. उन पॉइंट्स को मैं डायरेक्टली ग्राफ पे बनाने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो y हो जाएगा मेरा 2 into 0 यानी कि 0 plus 1, यानी कि 0 पे मेरा आउटपुट आ रहा है 1, तो 0 पे मेरा आउटपुट आ रहा है 1, तो 0,1 मेरा एक पॉइंट हो गया. वैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो ये हो जाएगा 2 into 2 4 plus 1 यानी कि 5, तो 2 पे मेरा आउटपुट आता है, x equals to 2 पे मेरा आउटपुट आता है 5, 1 2 3 4 5. तो ये हो गई मेरी दो पॉइंट्स. इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरी ये लाइन आ जाएगी. ये लाइन तो मेरी बाउंड्री हो गई इस पहली इनइक्वालिटी की, लेकिन मुझे चाहिए इस इनइक्वालिटी का रीजन. तो यहां पर मैं देख सकता हूं ये y is greater than equal to 2x plus 1, यानी कि इस लाइन पर तुम रह सकते हो, तुम्हें इस लाइन के ऊपर भी रहना है. मैं ऊपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर x के लिए मेरा एक आउटपुट आएगा जो है 2x plus 1. जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो मेरा आउटपुट आएगा 1, पर ये जो इनइक्वालिटी है ये कहती है जब तुम x 0 डालोगे तो ये कहती है y is greater than equal to 2 into 0 0 plus 1, यानी कि y is greater than equal to 1, तो ये इस लाइन के ऊपर रहती है. तो ये वाला मेरा रीजन हो गया. वैसे ही और कोई भी पॉइंट लूं तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा, यहां पर भी ऊपर आएगा. तो किसी भी इनपुट के लिए अगर मेरा आउटपुट इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो अगर मुझे पूरा रीजन बनाना पड़े तो मैं इस लाइन के ऊपर का जितना पार्ट है मैं उसको ग्राफ कर देता हूं. शेड कर दिया अगर मैंने तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया पहली इनइक्वालिटी का. तो ये इनइक्वालिटी मैंने बना दी. अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी देखता हूं. दूसरी इनइक्वालिटी कहती है तुम्हें लेना है y is less than 2x plus 5. तो यहीं पर अगर मैं इसकी बाउंड्री वाली लाइन बनाना चाहूं तो वो हो जाएगी, इस बाउंड्री के लिए मैं देखता हूं मुझे इस लेस देन की जगह इक्वल टू लेना है, तो मैं लेता हूं y is equal to 2x minus 5. minus 5 है यहां पे. अब यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरा जो y है वो आ जाएगा 2 into 0 minus 5, तो यानी कि 0,-5 एक पॉइंट है, 0,1,2,3,4,5 0,-5 एक पॉइंट है. ऐसे अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर 2x minus 5 है तो 0 equals to 2x minus 5. अगर मैं दोनों साइड 5 ऐड करूं तो आ जाएगा 5 equals to 2x. अब दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 5 by 2 equals to x, तो यानी कि x आ गया मेरा 5 by 2. इसको मैं यहां से हटाता हूं तो x आ गया मेरा यहां पर 5 by 2, यानी कि y equal to 0 पे मेरा x है 5 by 2 जो कि होता है 2.5, तो 1 2 और ये 2.5, ये पॉइंट आ गया. इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाना चाहूं, इसको मैं डॉटेड बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहां पर मेरा इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मेरे को जो भी लाइन आएगी वो इंक्लूड नहीं करनी है इस इनइक्वालिटी के रीजन में. तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो डॉटेड लाइन से अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल बनेंगी क्योंकि यहां पर इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम है. हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ये वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है और यहां पर वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 5 है. जब भी इस फॉर्म में मेरी कोई लाइन दी होती है तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है ये इसकी स्लोप बताता है, और जब भी कोई दो लाइंस की स्लोप बराबर होती है तो यानी कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है. तो ये मेरी लाइंस दोनों पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं. तो मैंने दूसरी लाइन बना दी. अब मुझे ये देखना है कि इस लाइन के हिसाब से ये जो बाउंड्री है इसके हिसाब से मेरी इनइक्वालिटी का रीजन क्या होगा. तो यहाँ पर मेरा है वाई इज लेस देन 2x माइनस 5, तो जो भी पॉइंट मेरा इस लाइन पे आता है मुझे उसका वाई इससे कम करना है. y is less than 2x minus 5. इस example अगर मैं लूँ, अगर मैं x की value 1 लेता हूँ, y equals to 2 into 1 यानी कि 2 minus 5 यानी कि minus 3. तो ये कहता है y equals to minus 3 लो, लेकिन मेरी inequality कहती है y is less than 2x minus 5, यानी कि y is less than minus 3. तो minus 3 से जो भी y मेरा नीचे है, वो वाला लेना है. तो यानी कि ये वाला solution है, तो इसके नीचे वाला solution है. और यहाँ पर मुझे ये point include नहीं करना है, तो मैं इसको open कर देता हूँ. वैसे ही अगर मैं कोई और पॉइंट लूं, जैसे मैं कोई x लेता हूं,
तो उस x के लिए मेरा जो लाइन है वो है 2x माइनस 5, जो कि यहाँ पर है। मुझे चाहिए y इज लेस देन 2x माइनस 5, यानी कि उससे नीचे लाना है, तो नीचे ले आते हैं। ऐसे अगर मैं हर पॉइंट के लिए करूँ तो इस डॉटेड लाइन के नीचे जो भी मेरा पॉइंट है, इस डॉटेड लाइन के नीचे जो भी मेरा पॉइंट है वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब मैंने बना दिया इस इनइक्वालिटी का ग्राफ। अब अगर मैं तीसरी इनइक्वालिटी देखूँ तो यह है x इज ग्रेटर देन 1, उसको भी अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर मेरा है x इज ग्रेटर देन 1, x मेरा 1 यहाँ पर होगा, तो यानी कि मेरी जो लाइन है x इक्वल्स टू 1, इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो हो जाएगी x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 यानी कि वो सारे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसको मैं डॉटेड में बनाता हूँ तो ये मेरी डॉटेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मैंने डॉटेड बनाया। और x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़े पॉइंट्स हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मेरी तीसरी इनइक्वालिटी हो गई। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अगर मुझे इस सिस्टम का सोल्यूशन बनाना है तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, या फिर ऐसा कोई रीजन है नहीं जहाँ पर मुझे तीनों कलर मिल रहे हो। अगर मैं ये वाला रीजन देखूँ तो यहाँ पर मुझे दो कलर मिल रहे हैं, एक ये पिंक और ये ग्रीन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे दो कलर मिल रहे हैं, एक है ग्रीन और एक है ब्लू, लेकिन कहीं पर भी मुझे तीनों कलर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस ग्राफ पे जहाँ पर मेरी तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक भी नहीं हो रही है, ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक हो रही है, ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर दो हो रही हैं, लेकिन तीनों सेटिस्फाई होने वाला ऐसा कोई पॉइंट है नहीं मेरे पास ग्राफ में। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है इस पूरे सिस्टम का तो मेरा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। मैं ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा यहाँ पर, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, और मुझे इसे पूरा खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। यहाँ मैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर मैं उसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा।